उत्तर प्रदेश की 11 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपने एक और प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। शुरुआत में खबर आ रही थी कि सपा की ओर से डिंपल यादव राज्यसभा जा सकती हैं, लेकिन अब राष्ट्रीय लोकदल यानी RLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को सपा ने राज्यसभा का टिकट दे दिया है। जयंत चौधरी सपा RLD के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। समाजवादी पार्टी यानी सपा ने गुरुवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया कि जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से राज्यसभा के संयुक्त प्रत्याशी होंगे। इससे पहले सपा ने सपा के मुस्लिम चेहरा जावेद अली और देश के जाने माने वकील कपिल सिब्बल को अपना प्रत्याशी बनाया है। सिब्बल ने निर्दलीय पर्चा भरा, उन्हें सपा समर्थन कर रही है। बता दें कि इससे पहले बुधवार को सपा की ओर से कपिल सिब्बल ने और जावेद अली ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान कपिल सिब्बल ने बताया कि वो 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। सिब्बल ने नामांकन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और राम गोपाल यादव भी मौजूद रहे। सिब्बल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है, जिन्हें सपा समर्थन दे रही है। मेडिग्लो हेल्थ केयर, जहां एंटी एजिंग, रिंकल, ब्लैक हेड्स, कील मुहासे, पिगमेंटेशन, पील्स जैसे बेस्ट ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। यही नहीं, अल्ट्रा एडवांस लेजर मशीन द्वारा त्वचा, बाल और लेजर सौंदर्य उपचार, साथ ही हेयर ट्रांसप्लांट सर्विस अवेलेबल। मेडिग्लो हेल्थ केयर, महानगर लखनऊ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।